नमस्कार दोस्तों, जैसे ही थाईलैंड के वीडियो खत्म हुए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा थाईलैंड घूमने का टोटल खर्च कितना हुआ। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, भाई थाईलैंड घूमने का कितना खर्चा हो रहा है। तो मैं थाईलैंड घूमने का मेरा खर्च तो आपको बताने वाला हूँ, साथ में आपके लिए एक पूरा ट्रिप प्लान बनाया है जिसमें आप थाईलैंड में आसानी से घूम सकते हैं, हो सके जितने कम बजट में घूम सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा डिटेल समझ में आए, और आप एक बुक और पेन ले लीजिए ताकि आपको समझने में लिखने में आसानी रहेगी कि आपको कहाँ पे कितना रुकना है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो पूरा समझाने वाला हूँ, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। वीडियो के नीचे थैंक्स बटन भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर जा करके भी जो है हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ में ज्वाइन बटन दबा करके मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा बजट बता देता हूं, और उसके बाद आपके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें आपको मैं कहां पे कितना रुकना ये सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थाईलैंड का कितना खर्च हुआ उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला खर्च स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। वीज़ा आपको ऑन अराइवल थाईलैंड में मिल जाता है, तो वीज़ा का कोई झंझट नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। दूसरा, आपको थाई पास है, वो कल ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया, शायद आप जब तक जाओगे आपको थाई पास लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंश्योरेंस भी शायद कैंसिल हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस लेना भी पड़े तो पॉलिसी बाजार से ₹650 में $1,00,000 का आपको मिल जाए, तो वो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं सीधा कितना एक्सपेंसेस हुआ उस पर। तो सबसे पहले आपको फ्लाइट की रिटर्न टिकट बुक करानी होती है दोस्तों, जाने की और आने की दोनों, जितने दिन रहना है उसके हिसाब से और आने की दोनों। तो सबसे पहले मेरा खर्च हुआ था फ्लाइट का मेरा खर्च हुआ ₹8,700 जाने का, और आने की मैंने फ्लाइट वहाँ से मैंने कंबोडिया की कर ली, तो मेरे वहाँ पे 4,700 की हुई थी, तो वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। आप आने जाने की एक ही देश में घूम के वापस आ रहे हो, तो दोनों फ्लाइट करा दीजिए, करीबन 8-9 हज़ार की, 8-9 हज़ार की आपको फ्लाइट मिल जाएगी। लेकिन अगस्त या सितंबर में जाओगे तो भाई ज़्यादा एक्सपेंसेस, ज़्यादा महंगी होने वाली, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मुझे पक्का आइडिया क्योंकि मैंने रिसर्च कर लिया है। तो आप जा रहे हो तो अभी से फ़्लाइट बुक कर लिए, जब भी जाना हो तो बेस्ट रहेगा। मेरा हो गया ₹8,700 फ्लाइट का मेरा खर्च, मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में आपको थोड़ी जानकारी भी दे रहा हूँ। वीज़ा का हो गया ₹5,200 के करीबन, यानी कि 2,200 बात थाईलैंड का। वैसे 2,000 में भी होता है, लेकिन थाईलैंड वाले थोड़ा सा अपने साथ बदमाशी करते हैं, तो 200 बात ज़्यादा दे करके वो सही है कि आपको जल्दी से छुट्टी मिल जाती है। ₹5,000 हॉस्टल का गिन लीजिए, मैं 10 दिन का बता रहा हूँ, 10 दिन आप वहाँ रहोगे तो ₹5,000 हॉस्टल का गिन लीजिए, ठीक है ना। 500 से 600 रुपया हॉस्टल आप मान के चलिए, तो मैंने कम से कम गिना है, कम से कम बजट वाले हॉस्टल में रुका, इसलिए 5,000 हुआ 10 दिन का। अब फूड, खाना काफ़ी महंगा भाई, इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। एक टाइम का इंडियन खाना खाने जाओगे तो ₹700 होता है, लेकिन अगर आप जुगाड़ कर कर के मुश्किल से चलाओगे तो 8,000 रुपये में पूरा होगा, क्योंकि खाना ही सबसे ज़्यादा महंगा है, जिसमें पानी, खाना और नाश्ता ये सब आ गया, जिसमें आप दूध लेते हो, थोड़ा बहुत फ्रूट लेते हो, कुछ लेते हो। तो मैंने ₹8,000 कम से कम बजट गिना है, और अगर आप थोड़े से ज़्यादा खर्च करना चाहोगे, प्रीमियम में जाओगे तो भाई ज़्यादा खर्चा होने वाला है, लेकिन अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर बजट में घूमना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, तो 8,000 में मान के चलिए, हो सकता है थोड़ा बहुत कम में या इसके आसपास ही आपका हो जाएगा। अब इसके बाद खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि घूमने का सबसे ज़्यादा खर्च होता है। तो घूमने का जैसे कि बस टिकट हो गया, ट्रेन टिकट हो गया, आप अगर कहीं छोटी मोटी जगह जाते हो, ओला उबेर जैसे, वहाँ पर ग्रैब एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर ग्रैब कर लिया, बाइक कर लिया, यहाँ एक छोटा टेम्पो होता है उसमें बैठ के जाओगे, ये सब खर्च आपको कुल मिला के ₹7,200 मैंने गिना है, जो लगभग होगा, क्योंकि पूरा डिटेल वाइज मैंने नहीं लिखा है, पॉसिबल भी नहीं है। तो 7,000 एक बार आप मान लीजिए कि उसमें आपको कहीं भी जाना है, उसमें फेरी का टिकट है ना, वो भी एक फेरी का टिकट लगता है कराबी से पीपी आइलैंड और पीपी आइलैंड से फुकेट, जो 450 यानी कि 900 बात होता है, 9×3 = 27, 2,000 रुपये के आसपास होता है। तो मैं एक्स्ट्रा खर्चे में गिन रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का गिन रहा हूँ। तो इसमें मेरा करीबन 7,200 हो गया, ₹1,000 मैंने एक ATM से विड्रॉल किया 2 बार, $100 करीबन, तो ₹1,000 चार्ज लग गया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी यहाँ से जाते हो ना,
500, 700 या $1,000 लेके जाइए भाई, अपने पास रखिए, कोई भेजा मारी नहीं, सीधा वहाँ पे चेंज करा लिया, काम ख़त्म। तो ये मेरा 1,000 रुपया लग गया और एक्स्ट्रा मैंने 5,000 गिना है, जिसमें पार्टी कर लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, या छोटा मोटा कोई कॉफ़ी हो गया, या फिर आप जो फेरी या टिकट कराते हैं वो हो गया। तो कुल मिला के मेरा 35,000 रुपये खर्च हुआ। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, 8,700 फ्लाइट जाने का, दिल्ली से मुंबई वाया होते हुए जी, 8,700 फ्लाइट, 5,200 वीजा, 5,000 हॉस्टल, 8,000 खाने का, 7,000 ट्रांसपोर्टेशन का, 1,000 मेरा ATM से कैश विड्रॉल किया, और एक्स्ट्रा 5,000 गिन लीजिए, 35,000 खर्च हुआ मेरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे सस्ते में और कहाँ पे कैसे घूमना रहेगा वो आपको बता देता हूँ। तो ये पार्ट टू शुरू होता है। तो मैं आपके लिए अब एक प्लान लेकर के आया हूँ कि आप थाईलैंड का कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लाइट बुक कर लीजिए, आने और जाने की दोनों, करीबन 10 दिन मान के चलिए अगर आपको आराम से घूमना है तो। तो सबसे पहले फ्लाइट टिकट हो गई, अभी करोगे तो अच्छा है कि टाइम से बढ़िया रेट में आपको मिल जाएगी, लेकिन अगस्त और सितंबर में काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है। अभी से महंगाई दिखा रही है तो और ज़्यादा आगे जाके महंगी होने वाली है। तो अभी से फ्लाइट टिकट बुक कर लीजिए आने जाने की। उसके बाद आपका वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाते हैं 2200 बात में। वैसे 2200 बात की बदमाशी हो रही है अपने साथ, लेकिन ठीक है यार, वो 200 बात लेकर के कोई ज़्यादा सवाल जवाब कुछ भी नहीं पूछेंगे। इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, कुछ भी नहीं पूछने का, सीधा ही जाने देंगे। होटल बुकिंग में भी नहीं पूछते हैं, एक आध दिन की कर लो तो ठीक है, वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर देने की मेरे हिसाब से, वहाँ जाके लफड़ाना हो। ये आपका फ्लाइट और वीज़ा हो गया। उसके बाद आपको चाहिएगा सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और कुछ नहीं चाहिए। थाई पास कैंसिल हो गया, इंश्योरेंस भी शायद तब तक कैंसिल ही है मेरे को लगता है, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो पॉलिसी बाज़ार से 650-700 रुपये में मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे, घूमने का प्लान बता देता हूँ। बैंकॉक गए तो बैंकॉक में एक नाइट रुक जाइए, उसके बाद पटाया चले जाइए, एक नाइट वहाँ रुक जाइए, अगर पॉसिबल अगर लगता हो तो 2 दिन रुक जाइए, नहीं तो 1 दिन मेरे हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि आगे भी जाके मौज ही करनी है ना, फुकेट में, पीपी आइलैंड में, तो एक नाइट ठीक है। दो नाइट यहाँ की हो गई। यहाँ पे घूमने के बाद आप बस की टिकट बुक करा लीजिए भाई, पहले ही करा लीजिए या ऑनलाइन करा लीजिए, वो भी ऑनलाइन हो जाती है। आप बैंकॉक से फुकेट की बस सर्च करोगे मिल जाएगी, लेकिन फ़्लाइट भी काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, तो पहले बुक करनी पड़ेगी। कभी कभी $40 होती है, कभी कभी $18-20 में मिल जाती है। तो बैंकॉक से फुकेट जा सकते हैं, फ़्लाइट में भी 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर बस में जाते हैं तो एक नाइट बस में गुजर जाएगी, तो आपका हॉस्टल का बच जाएगा, और लगभग करीबन सेम ही रेट में पड़ती है फ़्लाइट का और वो भी, तो बस की भी जर्नी का अनुभव मिल जाएगा। फिर आप एक नाइट बस में चलेगी, 3 रात ये होगी, 4th रात आप फुकेट पहुंच गए। कोई फुकेट से आप रुकिए मत, फुकेट से सीधा पीपी आइलैंड चले जाइए, फेरी टिकट कर लीजिए, अगर सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं ना तो बेस्ट है, क्योंकि 3:30 बजे तक फेरी लास्ट होती है। उसके बाद पीपी आइलैंड जाओ, पीपी आइलैंड का आप हॉस्टल बुक कर लीजिए, या आप पैसे वाले ज़्यादा खर्च करना चाहते तो रिजॉर्ट कर लीजिए, लेकिन हॉस्टल मेरे हिसाब से सही है। वहाँ पे 2 हॉस्टल है, जो एक सस्ता है 300 वाला और एक 700 वाला, एक अलबा जो कुछ करके है, उसका मैं लिंक दे दूंगा जिसमें मैं रुका था, और एक है एक और है वो काफ़ी महंगा 700, उसके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह भी है, पार्टी वार्टी उसके सामने ही होती है, ये दोनों बीच के किनारे पे। तो आपका ये हो गया पीपी आइलैंड का। पीपी आइलैंड मेरे हिसाब से एक नाइट ठीक है यार आपको, है ना, एक नाइट में पर होगा नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि शाम को आप पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे नाइट रुके, पार्टी किया, सुबह आप फेरी में स्नॉर्कलिंग वगैरह वगैरह सब करोगे, तो एक शाम हो जाएगी और शाम को फिर आप फेरी नहीं मिलेगी, तो 2 नाइट पीपी का गिन लीजिए। 3रे दिन सुबह ही आप वहाँ से जल्दी निकल जाइए। तो ये 5 रात हो गई, सुबह जल्दी वहाँ से निकल करके आप फेरी में बैठ के 10 बजे से सीधा पहुँच जाइए वापस फुकेट। फुकेट से आपको जाना होता है ओल्ड टाउन में, जब पोर्ट है वो ओल्ड टाउन है, तो वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है वो आपका पाटोंग बीच, जिसको बांग्ला रोड कहते हैं, जो फुकेट की जो पार्टी या नाइट लाइफ या जो फुकेट की मौज होती है वो वहीं पे है, तो आपको वहीं जाना चाहिए। तो 10 बजे फेरी में बैठोगे, 12-1 बजे तक आप फुकेट ओल्ड टाउन पहुँच जाओगे। वहाँ से पोर्ट से आप बाइक कर लीजिए भाई, ग्रैब बाइक वो बेस्ट रहेगा। ग्रैब बाइक से आप पहुँचे बस टर्मिनल, ओल्ड टाउन बस डिपो है वहाँ पे, बस डिपो नहीं है लेकिन ब्लू कलर की बसें खड़ी रहती जो 30 बाद में आपको फुकेट के बांग्ला रोड तक छोड़ देती है। उसका मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, वैसी बस है जो बस आप कर लेना, नहीं तो आपको 500 बात देना पड़ेगा, यानी कि करीबन 1,000-1,200 रुपया, नहीं तो आप 100 रुपये में पहुँच जाते हैं।
वो अब ओल्ड टाउन में रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, ओल्ड टाउन में कुछ नहीं है। ओल्ड टाउन मतलब पुराना सिटी है, लेकिन सिटी का भी अच्छा है। अगर आपको लगे तो आप, मैं जिस बान बान हॉस्टल में रुका था, मैंने आपको वीडियो दिखाया था, जो निंग थी काफ़ी अच्छी लड़की थी और उसका हॉस्टल भी अच्छा था, लेकिन वो फोकट का खर्चा बढ़ जाएगा, आपको कोई मतलब नहीं। तो आप पहुँच जाइए सीधा पटोंग बीच पे, जिसको बांग्ला रोड कहते हैं, वहाँ पे हॉस्टल बुक कर लीजिए। मैंने BGW किया था, जो 200 225 बात का था, करीबन 500 रुपये के आसपास। वो अच्छा हॉस्टल था, मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे रुक जाइए, उसके आजू बाजू सब है, बांग्ला रोड भी वहीं है, बीच भी वहीं है, वहाँ से बाइक रेंट भी कर सकते हो आसपास से 200 बात में, और आप कहीं भी घूमिए पूरा 24 घंटे। बाइक बाइक वाले से पहले बोल लीजिए भाई 24 घंटे दीजिए, तो आप वहाँ पे 2 दिन रुक जाइए, बेस्ट रहेगा। वहाँ पे भी काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन काफ़ी महंगा है, 700 रुपये में आपको सिर्फ दाल और रोटी मिलेगी। और ये हो गई आपकी, देखो कितनी नाइट होगी, एक बैंकॉक नाइट, एक पटाया नाइट, एक बस में चली गई, और 2 नाइट आपकी फिपी आइलैंड पे चली गई, ये होगी 5 नाइट। फिर आ गए आप बांग्ला रोड पे, तो यहाँ पे आपको 2 नाइट चाहिएगी, तो ये होगी 7 नाइट। यहाँ पे आप एक दिन ऐसे ही घूमिए, एक दिन बाइक रेंट कर लीजिए, और पूरा आसपास जो कैरम बीच हैं, फ्रीडम बीच हैं, फिर एक जो एयरपोर्ट है फुकेट का, वहाँ पे है ना भाई, बीच के ऊपर से फ्लाइट लैंडिंग होती है, तो बिल्कुल दीवार पास में, तो फ्लाइट आपके सर को टच करते हुए जाती है, तो वहाँ पे जरूर जाइएगा। वो एक दिन बाइक में आप पूरा घूम जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप बाइक लेकर के उधर ही जाइए एयरपोर्ट साइड, वो देखते हुए फिर वापस आ जाइए, फ्रीडम बीच चले जाइए, फिर कैरम बीच जाके फिर वापस आ जाइए, बस आपका फिनिश। फिर 2 नाइट ये हो गई, 7 नाइट हो गई। अब 7 नाइट के बाद या तो आप इंडिया वापस चले जाइए, या फिर आप बैंकॉक वापस जाइए, या फिर आप एक काम करिए कि 7 नाइट के बाद आप है ना फुकेट से सीधा चियांग मई बोलते हैं क्या, चियांग मई, वहाँ की फ़्लाइट बुक कर लीजिए। वो आपको पहले ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, तो आपको 18-20-25 डॉलर में अगर फ़्लाइट मिल जाती है ना, तो बहुत सही रहेगा। चियांग मई घूम लीजिए, आसपास चियांग राय है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा हरियाली और काफ़ी बढ़िया एरिया है, तो आप सीधा वहाँ पहुँच जाओगे। नहीं तो आपके पास टाइम नहीं बचे, क्योंकि नहीं तो आप 13 घंटे वापस बैंकॉक जाने में लग जाएगा बस में। तो फ्लाइट कर लीजिए, चियांग मई घूम लीजिए 1 नाइट या 2 नाइट, फिर उसके बाद वापस बैंकॉक से वापस फ़्लाइट इंडिया की कर लीजिए। तो ये पूरा 10 दिन के अंदर आपका ये टूर प्लान रहेगा, बहुत ईजी रहेगा, शॉर्टकट है। पेन से अगर लिखा नहीं तो आप लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। बैंकॉक 1 नाइट, 1 नाइट पटाया, उसके बाद रात की बस बुक कर लीजिए दूसरे दिन की, तीसरे दिन नाइट वाली सीधा पहुँच जाइए फुकेट। फुकेट से आप सीधा सुबह यहाँ पहुँचते हो, यहाँ से फेरी लेके फिपी आइलैंड पहुँच जाइए, 2 नाइट वहाँ रुकिए, पूरा मौज करिए। वहाँ पे बोट बुक करा लीजिए, हाफ डे की कर लोगे तो बेस्ट है, हाफ डे में भी काफ़ी थक जाते हैं। समुंदर के अंदर जाने का, स्नॉर्कलिंग और बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, तो वो 450-400 बात में हो जाता है। अगर 800 बात देते हो ना भाई, तो वहाँ पे एक बीच है, माया बीच बोलते हैं, उस पे जाने का 400 बात लगते हैं। वो खूबसूरत बीच है, लेकिन आधे घंटे में आपको वापस आना पड़ता है, तो वो मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2 दिन यहाँ घूम गए, फिर वापस फटाफट ओल्ड फुकेट टाउन आ करके बस में बैठे पाटोंग बीच पहुँच गए। पाटोंग बीच 2 दिन रहे, उसके बाद फ्लाइट बुक कर लीजिए, तो आप चियांग मई की या बैंकॉक की, जहाँ पे भी आपको सही लगे, उसके बाद आप इंडिया के वापस कर लीजिए। तो ये 10 दिन का बहुत इजी है। और अब इसका खर्चा आपका कितना हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये खर्चा करीबन फ़्लाइट का मान लीजिए, अभी फ़्लाइट 9-9 हज़ार 18 हज़ार तो फ़्लाइट का हो जाएगा, और बाकी अगर 18 ही दूसरा गिन लीजिए भाई, 35 हज़ार तो खर्च हो ही जाएगा, मुझे लगता है 35 हज़ार नॉर्मली, 30 से 35 हज़ार बजट मान के चलिए। मेरे हिसाब से अगर सही चलोगे तो 30 में आ जाओगे, क्योंकि हमने थोड़ा गफलतबाजी ज़्यादा कर ली। और तो 35 हज़ार में आप पूरा घूम घाम के इंडिया आ सकते हैं 10 दिन। अब मैं देख लेता हूँ, एक बात खास याद रखिए भाई, फ़ोटो ज़रूरी ले जाइए, फ़ोटो नहीं ले गए तो फिर से आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, एयरपोर्ट पर फ़ोटो चाहिएगा। और भी मैं देख लेता हूँ आपके लिए कोई ख़ास चीज़, तो बस मेरे हिसाब से मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। अगर इसमें भी कुछ आपको लगे तो इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे दे रहा हूँ, BansiBishnoi290। और भाई लाइक ज़रूर करें, लाइक का कोई पैसा लगता नहीं है, और अगर आपको पैसा ही देना है ना, तो थैंक्स बटन नीचे दिया हो, वहाँ पे जाके पैसा भी दे सकते हैं। ओके,
थैंक यू वेरी मच, वीडियो यहाँ तक देखा और मैंने कोशिश की कि आपको संपूर्ण जानकारी देने की, ताकि आप इजी से घूम जाए एक अच्छे से अच्छे बजट में, कम से कम बजट में कोई भी बंदा इंडिया के बाहर कैसे घूम सकता है वो दिखाने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नई वीडियो सीरीज शुरू हो रही है कंबोडिया की, तो कंबोडिया की पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा और साथ में कंबोडिया में लास्ट में जो है कंबोडिया घूमने का खर्च भी आपको बता दूंगा, उसके बाद वियतनाम भी। लेट्स गो, थैंक यू।